जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों को किसी ना किसी रूप में अवश्य ही दर्शन देते हैं। दोस्तों आप हनुमान जी को माने या ना माने, पर उनकी शक्ति का एहसास हमें अपने चारों ओर देखने को मिल जाता है। इसके कारण करोड़ों लोगों की आशाएं एक मूर्ति के सामने आकर टिक जाती है। आज हम कलयुग में हुए हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दरअसल दोस्तों तमसा नदी को निर्मल तमसा बनाने का अभियान चल रहा है, जिसमें नदी की सफाई के दौरान होने वाली खुदाई में एक प्राचीन मूर्ति का मुखौटा मिला, जिसको देखते ही लोगों ने कहा कि यह दुर्लभ प्राचीन मूर्ति है। हालांकि नदी से मूर्ति मिलने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। बता दें जब लोग मूर्ति के मुखौटे को देखने के लिए नदी पर पहुंचे तो देखकर कहा कि यह प्राचीन मूर्ति है। लोगों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा, लोग मूर्ति की पूजा करने में जुट गए। तमसा नदी की सफाई अभियान में 1200 वर्ष पुरानी प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा मिलने से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नदी से प्रतिमा को निकालकर मंदिर में स्थापना कर दी गई है, वहीं जहां दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी उमड़ रहे हैं। आस्था के सैलाब का वाक्या जिले के तमसा जिले के किनारे स्थित हनुमान घाट का है, जहां पर ऐतिहासिक तमसा नदी की साफ सफाई में निर्मल तमसा अभियान चलाया जा रहा था। अभियान में तमसा नदी को स्वच्छ करने के लिए लोग उमड़े थे और सफाई के दौरान प्राचीन टूटे हुए पुल का एक मलवा साफ किया जा रहा था। उसी दौरान खुदाई कर रहे लोगों को 1200 वर्ष पुरानी हनुमान जी की प्रतिमा मिली, जिसके बाद लोगों ने नदी से निकालकर उस प्रतिमा को हनुमान मंदिर में स्थापित कर दिया। साथ ही हनुमान जी के भक्तों ने प्रतिमा की प्राचीनता का सही पता लगाने के लिए पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया। बता दें कि हनुमान जी की प्रतिमा दिखने के लिए उमड़े जन सैलाब में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जय हनुमान जी के जय घोष के साथ ही पूरा निर्मल तपसा अभियान आस्था का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।